All India Radio, the news. The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, today asked the so-called big nations, on the basis of their color superiority, not to order India to do what they wished. The times have passed when any nation sitting 3,000 or 4,000 miles away could give orders to Indians, Mrs. Gandhi said. Today we will do what is best in our national interest and not what so-called... आप तो सब समझते हो साहब, मगर ये तो बताओ, लड़ाई कब शुरू होगी? कमबख्त दुश्मन ना तो आगे बढ़ता है, ना हमारी जान छोड़ता है। गुरनाम ठंड रख ठंड। महीनों से यहाँ पड़े हुए साहब, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। अब जो होना है उसे हो जाने दो साहब। दुश्मन आगे नहीं बढ़ता है तो मरने दो, हमें आगे बढ़ने दो साहब। हमारे हाथ में कुछ नहीं वरियाम सिंह, तुम अपनी पोजीशन संभालो। जय हिंद। सब खैरियत तो है? सूबेदार साहब, मेरी छुट्टी सैंक्शन हुई कि नहीं? ऐसी भी क्या तकलीफ है मथुरा दास कि तुम घर जाना चाहते हो? तकलीफ ये है कि मेरी बीवी कैंसर से मर रही है, मेरे बच्चे को पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं है, महीनों से यहां सड़ रहे, साली कोई चिट्ठी भी तो नहीं आती। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं मथुरा दास। यार हरि सिंह, देख मेरा भाई नानू पास हो गया यार। वाह क्या बात है। मस्त राम जी। हाँ जी। ये क्या है? चिट्ठी है जी। आप बताइए। चिट्ठी है? दूर से क्या, मेरे चेहरे पे कभी इतनी खुशी देखी? नहीं जी। ओ जवाना, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं कल जा रहा हूँ। और राम सिंह, टाइम क्यों है? और टाइम क्यों है? पौने दो। ओ गट्टी तो टाइम हो गया। चंगा जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। और रंजीतिया, और रंजीत पाजी, और मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहा है, मैं बापू ने कुछ कहना? कह देना जी, सब ठीक है। चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अरे मंजीतिया मंजीतिया, हाथ मिला हाथ मिला, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, कार जा रहा है मैं। चंगा कैसे दी तो बन गई छुट्टी। हाय हाय, मुंह लटका के बैठने वाले, अब बैठो। मैं तो चलिया कार। ओ सुखदेवा, ओ सुखदेवा, कार जा रहा है मैं, घर वालों कुछ कहना? कह दियो साहब, चिट्ठी लिखते रहे। चंगा चंगा, राम राम जी, मैं जा रहा हूं। रतन सिंह जी, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। चल अच्छा हुआ, छुट्टी मिल गई ना तुझे। जा अपनी बीवी को संभाल। मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। बता, अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती, और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है? कोई ऐसा भी है
जिसकी माँ की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा। किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को ये कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, पैसा जंग की ना जुटाओगे आप? मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। मेजर साहब भी नारियल है, नारियल अंदर से नरम तो बाहर से सख्त। बागी राम जी। हाँ, बोल। आप क्यों गए थे डाक लेने? अरे कौन है जो आपको चिट्ठी लिखेगा? आप तो कहा करते थे ना कोई आपके आगे है ना कोई पीछे। वो नालायक, ओए ऐ भी तो मेरी फैमिली है। तो है जी, खून का नहीं तो मोहब्बत का रिश्ता तो है ना। हाँ जी, जब इनकी चिट्ठी आती है ना तो किसी के आंख में आंसू आ जाते हैं तो कोई हंस पड़ता है, तो मैं भी इनके साथ हंस लेता हूँ, रो लेता हूँ। बाकी सब ठीक है, कमाल है यार। ओए क्या बात है, बहुत हंस रहे हो, कहीं हमारी भाभी की चिट्ठी तो नहीं है? उसी की है, पर खूब है, सुनेगा? मतलब कहीं वो वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं यार, वो वाली बात यहाँ कहाँ, लिखती है करनाल वाले मामा जी गुजर गए, बाकी सब ठीक है। गाय ने बछड़ा दिया था, पैदा होते बेचारा मर गया, बाकी सब ठीक है। चार दिन हो गए मुन्नी का बुखार नहीं उतर रहा, बबलू टांगे से गिर पड़ा, उसकी हाथ की हड्डी टूट गई, बाकी सब ठीक है। साडा मुंडा खैरियत ना, चार साल का हो गया। अच्छा, पता खिलाना केड़ा लियानू के है? केड़ा कहंदा है बापू आन दे टाइम दुश्मन का एक टैंक ले आई अपने नाल, दो ही नाल मिल के खेलेंगे। की लिखा था छोरे ने? लिखावट तो बड़े अच्छी है। बात भी अच्छी लिखता है। लिखता है कि हमारे मास्टर जी कहते हैं कि सीमा के उस पार हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, कपड़े भी हमारे जैसे ही पहनते हैं, भाषा भी हमारे जैसे ही बोलते हैं। बाबा ये बात अगर सच है तो लोग हमसे लड़ते क्यों है? बाबा अगर लड़ाई खत्म हो जाए तो घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। प्रिय धर्मवीर, जब से गए हो तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, नाराज हो क्या? सारी दुनिया रूठ जाए तुम नहीं रूठना, नहीं तो मैं जिंदगी से रूठ जाऊंगी। तुम्हारे घर गई थी, माँ जी ठीक है, उदास जरूर है, तुम्हारे आने की घड़ियां गिनती रहती है और तुम्हारा सेहरा बुनती रहती है। मैंने उनसे कह दिया है कि आपका लाडला सेहरा बांधकर आएगा तो मेरे ही घर आएगा। तुम्हारी कमला। बरखुरदार रतन सिंह, घर की छत टूट गई है, बनाने की कोशिश करते हैं तो तूफान आ जाता है, बर्फ गिरती है तो छुपने की जगह नहीं मिलती। जल्दी छुट्टी लेके आ जाओ तो घर को नई छत मिल जाए और हमें हमारा बेटा। तुम्हारी अम्मा कह रही है कि मरने से पहले तुम्हारी खुशियाँ जी भर के देखना चाहती हूँ। तुम देश की रक्षा में अपना धर्म तो निभा रहे हो पर माँ बाप का सहारा भी तो तुम ही हो बेटे, लिखो कब आओगे? अस्ती। हाँ जी। पादे। भले भाई। क्या खबर है पैरो सिंह? वे, शेर की आंख में आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? वो ऐसी क्या खबर है, मैनू भी बता। घरवाली की चिट्ठी आई है बागीराम जी, मैं बाप बनने वाला हूँ। ओए मुबारका, ओए मुबारका। ओ मस्ती।
जी। हाँ जी। आज कंपनी के लिए स्पेशल खाना बनाना है और लड्डू साथ में जरूर बनाई। और दारू सबको मैं पिलाऊंगा, देखना दादी आपका बेटा होगा बेटा। और आज तो मैं भी चख लूंगा। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,